अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं ट्रिपल एट्रिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छुई मुई के पौधे उगाना सीखेंगे, वो भी छुई मुई के जो बीज होते हैं उनसे। तो दोस्तों ये बीज के ऊपर का शेल होता है, लेकिन हमने इनको नहीं निकालना, बिल्कुल ऐसे ही उगा देना है क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन में काम आते हैं। तो दोस्तों ये छुई मुई के ऊपर से ही उतारे जाते हैं सीड, नहीं तो आप किसी भी करीबी नर्सरी से अपने घर के करीब से उधर से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने दो गमलों में सीड लगाए थे, यानी छुई मुई की सीडलिंग की थी और पूरे एक हफ्ते बाद ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे वीडियो बनाने के बाद पता चला कि जी इसका मौसम बिल्कुल चला गया है, क्योंकि ये फरवरी के महीने में उगाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसको नवंबर के महीने में उगाया है, लेकिन इस लिहाज से इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट कहेंगे, नहीं तो एक दो दिन में ही इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इस वक्त तक बिल्कुल पत्ते निकल आने थे, क्योंकि ये नवंबर के महीने में लगाए हैं इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत कम हुई है, लेकिन इसको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट कहेंगे, बेहद अच्छा। और इस गमले में कोई सीड नहीं ग्रो हुआ, सारे मेरे ख्याल से जल गए हैं। और ये मैंने ऊपर से थोड़ा कोकोपीट डाल दिया था जिससे इनकी मॉइस्चराइजेशन अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।